हे एवरीवन, आरएसईटी एग्जाम 22 मई तैयारी 90 से ऊपर वाले सीरीज के अंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस बार आप करने वाले हैं आरएसईटी में 90 से पार, क्योंकि आप जुड़े हैं आरएसईटी के नंबर वन चैनल के साथ। तो फ्रेंड्स, जो भी हम आप सभी के लिए क्लासेस लेके आ रहे हैं, ये क्लासेस फ्रेंड्स आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को आपको बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है, ताकि जो भी क्वेश्चन है आप सभी को अच्छे से समझ में आए। और फ्रेंड्स, आपको अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, अगर आपको कांटेक्ट करना है हमसे, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट दिया हुआ है, यानी कि आप संध्या कंप्यूटर सेंटर इंस्टाग्राम अकाउंट आप सभी के लिए आज ही न्यू क्रिएट किया है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं हमें कॉन्टैक्ट। और टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है संध्या कंप्यूटर सेंटर के नाम से, तो फ्रेंड्स उधर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। आप सभी के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस क्लास के एंड में आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आपके जो है क्लास से कितने क्वेश्चन आज राइट हुए। तो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण, तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है प्लॉटर और चौथा ऑप्शन है टैप। आपसे पूछा गया है कि एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो आपका स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस होता है, और सॉफ्टवेयर आपको सिस्टम को ऑन करने के लिए अनिवार्य होता है, तो यह आपका आउटपुट नहीं हो सकता। ऑप्शन दिया हुआ है आपको ऑप्शन सी प्लॉटर, यह एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने मेन फ्रेम, दूसरा है मैक्स फ्रेम, तीसरा है मिनी और चौथा है नोटबुक। तो आपका कंप्यूटर वर्गीकरण पूछा है, तो मेन फ्रेम आपका होता है, मिनी होता है और नोटबुक ये भी होता है, यानी आपको ऑप्शन दिया हुआ है मैक्स फ्रेम, ये किसी प्रकार का आपका कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं होता है, तो ऑप्शन बी या से आपका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। टोनर का उपयोग कौन सा प्रिंटर करता है, तो आपका डेसीविल प्रिंटर है, ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इनके अलावा ऑप्शन दिया हुआ है एक इंकजेट प्रिंटर, तो फ्रेंड्स ये क्या करता है कि प्रिंट करते समय स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करते हुए प्रिंट निकालता है। और जो आपका थर्मल प्रिंटर है, ये क्या करता है कि प्रिंट निकालते वक्त गर्म धातुओं का यूज़ करता है। तो अगर इनका भी क्वेश्चन बने तो भी ऐसे आपको राइट करना है, लेकिन आपको पूछा है टोनर का उपयोग कौन सा प्रिंटर करता है, तो लेज़र प्रिंटर आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन डी आप सभी के लिए यहाँ से करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है, आपको बताना है कि अस्थिर प्रकृति की मेमोरी कौन सी है। तो रैम ऑप्शन दिया हुआ है, यह आपके अस्थिर प्रकृति की मेमोरी होती है। अगर वॉलेटाइल प्रकार की पूछे तो भी आपको रैम राइड करना है, और अस्थिर पूछे तो भी रैम होती है। फ्रेंड्स ऐसे अगर आपसे पूछे कि रैम का पूरा नाम, तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि रैम का पूरा नाम क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर इनके अलावा रोम का क्वेश्चन बने ना, रोम का भी क्वेश्चन बनता है, रोम का बने तो ये आपकी होती है स्थिर मेमोरी। आप सभी को याद रखना है ना, ये होती है आपकी स्थिर मेमोरी, और इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। और जो ऑप्शन दिया हुआ है ईपीरोम, इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डी रैम, ये आपकी होती है डायनामिक रैम। इसका भी क्वेश्चन बनता है कि प्रति सेकंड रिप्रेस होने वाली मेमोरी कौन सी है, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर होता है डी रैम। अगर कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ से बिल्कुल ही राइट करना है। यहाँ पे आपकी अस्थिर प्रकृति की मेमोरी पूछा था, तो रैम आपका हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन, उस पर दिनांक समय प्रदर्शित किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो वो आपका होता है सिस्टम ट्रे। ये आपका होता है टास्क बार के अंदर होता है, जहाँ पे आपको डेट एंड टाइम के सिंबल भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको सीधा देखने वाला है अगली इस बार। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है,
आपसे पूछेगा GUI का पूरा नाम तो होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपसे पूछा है कि कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उदाहरण नहीं है, तो आपका विंडोज़ 8.1 होता है, macOS है, लिनक्स होता है, लेकिन आपको ऑप्शन दिया हुआ है यूनिक्स और एक होता है MS-DOS। ये जो दोनों हैं CLI पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगर आपसे पूछे कि CLI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, तो उधर आपका राइट होगा MS-DOS और यूनिक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ISP का पूरा नाम आपसे पूछा गया है कि ISP का पूरा नाम, तो ISP का पूरा नाम होता है, जल्दी से बता दो ISP का पूरा नाम क्या होगा, तो ISP का पूरा नाम होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। WWW का पूरा नाम तो बता दो, WWW का पूरा नाम क्या होगा, तो इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, इम्पोर्टेंट है, हो सकता है सीधे इस बार आपके एग्जाम में पूछे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है, आपसे पूछा है कि ईमेल क्लाइंट कौन सा है, तो ईमेल क्लाइंट आपका होता है जीमेल। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाता है। अगर ईमेल का पूरा नाम पूछे तो होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर ईमेल के अंदर आपसे पूछे, एक तो पूछा जाता है BCC तो होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अगर ईमेल के संदर्भ में CC पूछे तो होगा कार्बन कॉपी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है, आपसे पूछा गया है UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है, तो UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है पैसों को भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी के लिए करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है कि माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण कौन सा होता है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है ट्विटर, ये आपके एक माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। इसके अंदर आप जो है 140 करेक्टर ही लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है गूगल, ये आपके होता है सर्च इंजन का उदाहरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। EPDS का पूरा नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो आप ऐसा मत समझना कि वो बार बार क्यों लेके आ रहे हैं क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी क्वेश्चन को हम बार बार लेके आ रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में सीधा आए तो आप सभी राइट कर सके। तो EPDS का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि ऑप्शन ए या से आप सभी के लिए करेक्ट हो जाता है। अगर EPDS के संदर्भ में आपसे पूछे, एक तो पूछा जाता है APL का पूरा नाम, तो APL का पूरा नाम होता है एबव पॉवर्टी लाइन। अगर EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूछे तो होगा बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर MSP का पूछे, MSP तो होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और FPS का पूछे तो होगा फेयर प्राइस ऑफ, यानी कि एक ही क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी आप सभी के लिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसे भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आप सभी को यहाँ से राइट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। SSO के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है, तो सबसे पहले तो अगर SSO का पूरा नाम पूछे तो होगा सिंगल साइन ऑन, क्या होगा इसका, सिंगल साइन ऑन, आप सभी को याद रखना है। और SSO के तहत नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है इसके अंदर, तो आप आधार नंबर के जरिए कर सकते हैं और वामासा क्रमांक के जरिए भी कर सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल ही ऐसे करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है, तो आधार कार्ड को जारी करने वाली प्राधिकरण कौन सी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर पूछे कि आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है, तो 12 होती है। यहाँ पे पूछा है कि आधार कार्ड को किसने जारी किया, तो UIDAI द्वारा जारी किया गया है, और इसका पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अगर आपसे पूछे कि पैन कार्ड को जारी करने वाली संस्था पूछे है ना पैन, तो वहाँ पे आपका होगा NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड,
अगर पैन का पूरा नाम पूछे तो होगा परमानेंट अकाउंट नंबर, और नया पैन आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है तो होगा 49A। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल ओएस कौन सा है, आपसे पूछा गया है कि नवीनतम मोबाइल ओएस, तो यहाँ पे आपका नोगाट बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए निम्न में से कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो कौन सा ऐप बनाया गया है, राजस्थान संपर्क, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। इसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा रजिस्ट्रेशन देगा, मॉडरेशन देगा, एलोकेशन देगा, स्क्रूटिनाई, ऑप्शन मिले आपको स्क्रूटिनाइजेशन, तो ये किसी प्रकार का राजस्थान संपर्क का स्टेप नहीं होता है, तो आपको उधर से स्क्रूटिनाइजेशन को राइट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ड 2010 में रिबन किसकी एक श्रृंखला से बनती है, आपसे पूछा गया है, तो वर्ड 2010 में रिबन जो है टैब्स की श्रृंखला से बनती है। और अगर आपसे पूछे है ना कि एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल क्या कहलाती है, तो एमएस वर्ड में बनने वाली फाइल आपकी डॉक्यूमेंट कहलाती है। अगर पूछा जाए कि एमएस वर्ड है ना फाइल का डिफॉल्ट नाम क्या होता है, तो वहाँ पे होगा आपका डॉक्यूमेंट वन। तो कैसे भी क्वेश्चन बने तो आपको यहाँ से राइट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये क्या होते हैं, पेज के ओरिएंटेशन होते हैं ना, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं, पेज के ओरिएंटेशन होते हैं, यानी कि पेज की स्थिति को बताता है कि आपको पेज कैसा रखना है। अगर आपका ऐसा सीधा पेज है तो ये आपका कहलाता है पोर्ट्रेट, और अगर ऐसा छोटे फॉर्मेट में आपका पेज है तो ये कहलाता है आपका लैंडस्केप। और है ना, अगर आपसे पूछे कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है ऑप्शन किस टैब में उपस्थित होते हैं, तो वो आपके होते हैं पेज लेआउट के अंदर होते हैं। और इसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कौन सा मोड आप इस्तेमाल करके पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आप डॉक्यूमेंट को बदल सकते हैं, तो आपको ऑप्शन मिलेगा पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स है ना, वो आपके पेज लेआउट टैब के अंदर होता है, उधर से आप ये काम कर सकते हो। अगर ऐसा पूछे कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, तो ये आपके कहलाते हैं पेज के ओरिएंटेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल ना हो, निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है, किसका उपयोग करेंगे आप, तो आप किसका करेंगे, फ्री स्पेस कमांड का करेंगे है ना, तो ऑप्शन बी ऐसे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। भले फ्रेंड्स ऐसा कोई क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि वो क्वेश्चन नहीं आएगा, जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आपको खुद को पता चलेगा है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं, यानी यहाँ पे आपको चार्ट के प्रकार पूछे हैं कि कौन से आप एक्सेल में चार्ट के प्रकार बना सकते हो, तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आप बार चार्ट बना सकते हैं, लाइन चार्ट होता है, ग्राफ चार्ट होता है और पाई चार्ट होता है, ये सभी बना सकते हैं, ऑप्शन बी, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक नाम बॉक्स होता है, तो आपका एक नाम बॉक्स कहाँ पे होता है, यानी कि ये फॉर्मूला बार के बाई और दिखाई देता है आपको एक नाम बॉक्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर आपको एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप किसका उपयोग नहीं करेंगे, तो फाइल न्यू पर क्लिक करके तो आप प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते हैं ना, और कंट्रोल एन ये भी न्यू की शॉर्टकट कुंजी हो तो यहाँ से आप बना सकते हैं, और स्टैंडर्ड टूल बार में जो न्यू बटन उपस्थित होता है उसके द्वारा भी आप न्यू फाइल बना सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन दिया हुआ है फाइल ओपन। अगर फाइल टैब में जाके आप ओपन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि आपकी जो पहले से कंप्यूटर में फाइल सेव है उसको आप खोल सकते हो ना, नहीं कि आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका ये बिल्कुल ही ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी के स्क्रीन पे आ गया है कि पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट की हुई इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है, यानी कि पावर पॉइंट में जो इंसर्ट की हुई है इमेज उसको अगर एडिट करेंगे तो क्या होगा, तो स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती, ऑप्शन ए आप सभी के लिए यहाँ से करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय में वापस लाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो बता दो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि सिस्टम रिस्टोर। बिल्कुल ही ऐसे आपका करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या विकल्प है? आपसे पूछा गया है कि विंडोज 10 में प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है अगर आपको, तो आप किसके द्वारा कर सकते हो? तो आप विंडोज स्टोर जो होता है इधर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इंटरनेट से आप कर सकते हैं, और जो सीडी या डीवीडी से इंस्टॉल कर सकते हैं ना, तो उपरोक्त सभी ऐसे आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि विंडोज 10 में प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, तो उधर आपको ऑप्शन मिलेगा विंडोज से कर सकते हो, इंटरनेट से कर सकते हो, सीडी या डीवीडी से कर सकते हो, और वर्ड फाइल से कर सकते हो। तो वर्ड फाइल यहाँ पे आपका गलत हो जाता है ना, क्योंकि वर्ड फाइल से आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो जैसा आपको पूछे उसके हिसाब से आपको राइट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से किन कंट्रोल पैनल या सेटिंग विकल्प के उपयोग से इंस्टॉल किया जा सकता है? आपको पूछा गया है कि प्रिंटर अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप किसके द्वारा करेंगे, तो कंट्रोल पैनल में जाके हार्डवेयर एंड साउंड डिवाइस, उसके बाद में प्रिंटर, फिर ऐड अ प्रिंटर का ऑप्शन आता है, इसके द्वारा आप बिल्कुल कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आप सभी के पास, सेटिंग में जाके डिवाइस, फिर प्रिंटर एंड स्कैनर, फिर ऐड अ प्रिंटर और स्कैनर, यानी कि दोनों के द्वारा आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो ऑप्शन सी आपका ऐसे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है? काफ़ी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो आपसे पूछा जाएगा सीधा कि ईमेल किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है। तो व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाने वाला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। अगर निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए पूछे तो होगा POP3, और HTTP दिया हुआ है ना ऑप्शन, इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि HTTPS का पूरा नाम, या फिर HTTP का पूरा नाम तो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विजय कार्ड में कितनी पिन होती है? तो बता दो, है ना, इजी क्वेश्चन है। विजय कार्ड में कितनी पिन होती है? 15 पिन होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना, LCD प्रोजेक्टर के प्रकार, तो नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, निम्न में से एक CD या फिर DVD की सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। एक तो पूछा है CD, एक है DVD। अगर CD का पूरा नाम पूछे तो होगा कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का पूछे तो होगा डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है ना, दोनों आपको ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर। तो आपसे पूछा कि कौन से एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं होती है, तो 13 GB नहीं होती है, ऑप्शन डी, या से आपको करेक्ट करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्रामों पर सक्रिय रूप से हमला करता है, तो कौन करता है? रेट्रोवायरस, या से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगर हैकर्स का क्वेश्चन बने तो इसका बनेगा कि निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है, तो उधर आपको करना है हैकर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है, इसके अंदर से कौन सा जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है? तो आपके naukri.com होता है, timesjob.com होता है, monster.job.com होता है ना, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसके अंदर से कौन सा राइट हो जाएगा आपका? timesjob.com है ना, naukri.com यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। आपको पूछा है कि जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है, तो naukri.com हो जाता है यहाँ से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं? अगर आपको अपने ना विश्वविद्यालय का शुल्क भुगतान करना है तो आप कैसे करोगे? ई मित्र के द्वारा आप कर सकते हो, ई मित्र पे जाके सिंगल साइन जो ID होती है ना सभी की बनी होती है, उसके द्वारा आप कर सकते हो, और आपका है ना जो यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है उसके द्वारा भी आप कर सकते हो, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि दाई तरफ के किसी अकेले अक्षर को मिटाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? दाई ओर से मिटाना है ना एक एक अक्षर को, तो आप किसका यूज़ करते हैं? सीधा डिलीट का किया जाएगा।
आपको डी से क्या याद रखना है, डी से डी है ना, डी से डिलीट हो जाएगा। दाई ओर से पूछे तो डिलीट, अगर बाई ओर का पूछे बी से बी याद रखना है, बी से क्या हो जाएगा, बाई ओर से पूछे तो होगा बैक स्पेस। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में ईपिक क्या है, आपको पूछा गया है ना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ईपिक क्या होता है। तो ये आपका होता है चुनाव फोटो पहचान पत्र, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता है एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तो आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आती है सबसे पहले आप तक आए।